हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे डायलिसिस के बारे में और साथ ही आपको बताएंगे आर्टिफिशियल किडनी के बारे में। और आज की वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि डायलिसिस मशीन कैसे काम करती है। तो ज़बरदस्त आपका वैल्यू एडिशन करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं डायलिसिस के बारे में कि डायलिसिस होता क्या है। डायलिसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल और टॉक्सिक सब्सटेंस को निकाला जाता है। बेसिकली डायलिसिस का इस्तेमाल हमारी बॉडी के जो फ्लूड होता है, जो हमारी बॉडी फ्लूड होता है, उसके नॉर्मल वॉल्यूम को और साथ ही बॉडी फ्लूड के कंपोजिशन को रिस्टोर करने के लिए किया जाता है उन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर रीनल फेलियर आपको देखने को मिले, या ऐसे पेशेंट्स जिनकी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही होती, वैसे केस में हम इस्तेमाल करते हैं डायलिसिस का, ताकि उनकी नॉर्मल बॉडी जो वॉल्यूम है, बॉडी के अंदर जो नॉर्मल वॉल्यूम है बॉडी फ्लूड्स का, उसके कंपोजिशन को रिस्टोर किया जा सके। दोस्तों, डायलिसिस क्या बेसिकली जो मतलब होता है, डायलिसिस एक टर्म है जिसको रिफ़र किया जाता है कि जब सॉल्यूट्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसी प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। दोस्तों, डायलिसिस मशीन जिसको कि आर्टिफिशियल किडनी के नाम से भी जाना जाता है, डायलिसिस मशीन में क्या किया जाता है कि पेशेंट के आर्टेरियल ब्लड को मशीन में डाला जाता है और फिर उस ब्लड को वापस से मशीन से पेशेंट की वेन के ज़रिए से पेशेंट की बॉडी में डाला जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि डायलिसिस मशीन कैसे काम करती है। दोस्तों, डायलिसिस मशीन में एक डायलाइजर होता है जिसको हम हीमोफिल्टर के नाम से भी जानते हैं। इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, सेलोफोन मेम्ब्रेन होती है जिसकी आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है वो एक डायलाइजिंग फ्लूड में डूबी होती है जिसको हम डायसाइलेट कहते हैं। दोस्तों, डायसाइलेट होता क्या है कि एक फ्लूड होता है जिसमें वाटर होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और अदर कंपोनेंट्स, जिससे कि जो बॉडी की फ्लूड है, जो बॉडी फ्लूड है उसकी कंपोजिशन को मेंटेन किया जाता है, यानी उस बॉडी फ्लूड की केमिस्ट्री को मेंटेन किया जाता है। डायलिसिट को पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है डायलिसिस मशीन के अंदर। दोस्तों, जो डायलिसिट है वो डायलिसिस मशीन के अंदर एक क्रिटिकल पार्ट होता है ट्रीटमेंट का। तो डायलिसिट का इस्तेमाल पेशेंट के जो बॉडी फ्लूड है उनकी केमिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। इसलिए डायलिसिस से पहले पेशेंट की जो है ब्लड जांच जो होती है, खून की जांच, वो करवाई जाती है ताकि जो चीज़ें कम हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स को उस डायलिसेट के अंदर बढ़ाया जा सके और पेशेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग डायलिसिस मशीन के द्वारा उसके जो बॉडी फ्लूड हैं उसकी कंपोजिशन को मेंटेन किया जा सके और रिस्टोर किया जा सके। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि डायलिसिस मशीन के अंदर एट अ टाइम कितना ब्लड रहता है, तो 500 ml ब्लड एट अ टाइम आपको देखने को मिलेगा डायलिसिस मशीन के अंदर। डायलिसिस मशीन के अंदर जो रेट ऑफ फ्लो होता है ब्लड का वो 200 से 300 ml पर मिनट होता है। डायलिसिस के अंदर जो डायलिसिस का टाइम होता है जनरली अराउंड 4 to 6 hours होता है। जब पेशेंट का डायलिसिस किया जाता है तो 4 से 6 घंटे डायलिसिस मशीन के साथ पेशेंट को कनेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताया डायलिसिस के बारे में और आर्टिफिशियल किडनी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और डायलिसिस से लेके जो भी आपके सवाल हैं वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।